हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग ये मेरे बाल दिख रहे हैं, काफ़ी आप लोग को रूखे सूखे से लग रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ये आज ऐसे बालों को खोल के इस तरह से बैठी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट मंथ ही मैंने हेयर स्पा कराया था, जिसके डिस्काउंट के बाद मुझे 1500 अराउंड पे करने पड़े थे, क्योंकि मेरे हेयर के लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से जो है प्राइस लगते हैं। तो इतना प्राइस जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट हेयर स्पा करना बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बालों को अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे, कुछ अगर खुद खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, पतले हो जाएंगे ना। प्रोटीन अगर अंदर नहीं जाएगा तो हमें प्रोटीन की जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रोटीन की हमारे बालों को भी ज़रूरत होती है। तो हेयर स्पा से प्रोटीन और भी बहुत तरीके के नरिशमेंट जो होता है हमारे बालों को मिलता है, जिससे कि हमारे बाल जो होते हैं उसमें नई जान आ जाती है। जैसे हम केमिकल्स वगैरह कराते हैं तो इसलिए हमें हर 25 to 1 month के अंदर एक बार एटलीस्ट हेयर स्पा कराना होता है, कराना चाहिए। मतलब कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कराएं कराएं, बट यस डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे हेयर स्पा आप लोग कैसे अपने बजट के अंदर कर सकते हैं वो आप लोग को करके दिखाऊं। तो गाइस चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम घर पे बजट फ्रेंडली हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को दिखा दूं, और मैं आप लोग को डिस्क्लेमर देना चाहती हूं कि ये जो प्रोडक्ट है मैं खुद अपने पैसों से बाय करके लाई हूं, और उसके बाद ही मैं आप लोग को जो है इसका रिजल्ट कैसे आएगा या इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो ये है लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का हेयर स्पा, देख सकते हैं इस कलर, इस तरह की बॉटल है ये। इसमें दो तरह के वेरिएंट आते हैं, इसमें मैं जो वेरिएंट लाई हूँ वो लाई हूँ रिपेयरिंग क्रीम बाथ, या दिख सकते हैं ये लेके आई, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूखे सूखे हो रखे हैं, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इसमें विद वाटर लिली फॉर डैमेज एंड सेंसिटिव हेयर, यस मेरे काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट अपने बालों में करा लिया है तो काफ़ी डैमेज हो चुका है, और ये मुझे 490 ग्राम का मिला है, 600 रुपीज़ का मिला है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है यार, काफ़ी आई थिंक आराम से मेरे बालों में तो 4-5 बारी हो जाएगा आराम से हेयर स्पा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है ये, काफ़ी ज़्यादा थिक है ये, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैं लेके आई हूँ इसके। सो गाइज, ये है जो मैं इसके साथ लेके आई हूँ, इसमें एक डैमेज हेयर के लिए भी होता है, और ये मैं लेके आई हूँ एंटी डैंड्रफ के लिए, प्यूरीफाइंग कॉन्सेंट्रेट लॉरियल पेरिस का ही है, हेयर स्पा का ही छोटी सी बॉटल है। अगर आप पार्लर वगैरह में हेयर स्पा के लिए जाते हैं तो वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं आपके हेयर स्पा के लिए। और ये जो होता है ये आपके स्कैल्प के लिए है, जब हम स्कैल्प में लगाएंगे जो भी क्रीम तो उसके अंदर मैं इसे पूरा का पूरा वन टाइम यूज़ के लिए होता है पूरा का पूरा डाल दूँगी और फिर उसको यूज़ करूँगी। और ये मुझे बॉटल मिली है 100 रुपीज़ की, जो कि वन टाइम 100 रुपीज़ के लिए है। तो गाइस इस तरीके से मैंने इसको जो है एक बाउल में ले लिया है, आप देख सकते हैं अपने हेयर के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। ऐसा नहीं अगर मैं आज 4 चम्मच, अभी मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं, ये जो चम्मच देख रहे हैं वाला, तो अगर मैं इसे, मेरे हेयर जो है वो थोड़े थिक और लॉन्ग है इसलिए उसमें ज़्यादा क्रीम लगती है, तो आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंगली ही इसे यूज़ करना है। ये नहीं कि मैं जितना यूज़ करी उतना ही आप यूज़ करिए, नहीं, आपके हेयर में जितना लगे उसकी क्वांटिटी में ही अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है इसे। इस तरीके से मैंने इसे निकाल दिया है। सो गाइज, हेयर स्पा करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें कि पहली चीज़ ये है कि आपको अपने हेयर को उसी दिन वॉश करना है, और मतलब हेयर स्पा करने से पहले वॉश करना है, और आपके हेयर जो है वेट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपने हेयर पे सिर्फ शैम्पू का यूज़ करना है, कंडीशनर नहीं लगाना है। सो गाइस, मैंने हेयर जो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे वेट है, पानी निकल रहा है। अब मैंने इस तरीके से टैंगल हो रखे हो काफ़ी ज़्यादा, तो चाहे तो थोड़ा सा डीटैंगल कर सकते हैं अपने बालों को, और अगर नहीं करना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप। धीरे धीरे से मैं अपने बालों में इसे लगाती रहूंगी। यही रफा इतना इतना ऐसा पार्ट लेके आपको अपने बालों में इसको लगाना है। आप ये अगर रूट में भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे रूट में भी लगाना है, क्योंकि पूरा ऊपर से लेके ये नीचे में भी
अच्छे तरीके से लगा लेना है। कंडीशनर और हेयर स्पा में यही फ़र्क होता है कि कंडीशनर को आप अपने रूट्स पे नहीं लगा सकते, लेकिन हेयर स्पा को आप अपने रूट्स पे लगा सकते। सो गाइज, मैंने अपने पूरे जो हेयर है उन पे वो क्रीम लगा ली है। अब मुझे मेरे रूट पे अप्लाई करना है। आप चाहे तो पहले रूट पे अप्लाई करके फिर नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पहले नीचे अप्लाई कर लिया, अब मैं रूट पे अप्लाई करने वाली हूँ। और रूट पे अप्लाई करने के टाइम पे मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। और ये देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच जितना ले लिया है और इसको पूरी बॉटल को इसके अंदर डाल दूंगी। और अब इसको अच्छे से हिला देना है। गाइस, अगर आप चाहें तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ब्रश में कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए इवन मैंने हेयर कलर भी अपने हैंड से ही ज़्यादातर यूज़ किया था, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने हैंड्स का ही यूज़ करती हूँ। तो अच्छे तरीके से आपको इसे मिला देना है ताकि पूरी क्रीम के अंदर जो है ये लिक्विड अच्छे से मिल जाए। तो ये इस तरीके से मिल चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसे अपने रूट्स पे लगाना शुरू करेंगे। आई विल यूज माई हैंड इस तरीके से पार्टीशन निकाल के और अच्छे तरीके से लगा लेना है। जैसे आप ऑयल को लगाते हैं उस तरीके से लगाना है। और गाइस, मैं अपने स्कैल्प पे भी अच्छे तरीके से उस क्रीम को लगा चुकी हूँ। अब हमें मसाज देना है कुछ सेकंड्स के लिए अपने हेयर पे। अच्छे तरीके से मसाज देना है जिससे कि वो क्रीम जो है वो आपकी स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाए। अगर कोई और आपके घर में है और जिसे मसाज देनी अच्छे से आती है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये जस्ट एक चम्पी जैसे करते हैं ना, उस तरीके से वो करना है आपको अच्छे तरीके से। तो जब हम बाहर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि अच्छी मसाज हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमें करना है वो है स्टीमिंग का। हमको अपने हेयर को स्टीम देना है। जिनके पास स्टीम वाली मशीन है उनके लिए तो बहुत आसान होगा स्टीम करना, बट जिनके पास स्टीमिंग वाली मशीन नहीं है वो क्या कर सकते हैं, टॉवल जो है उसको गीला कर लेना है। अच्छे तरीके से गीला करने के बाद उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सारा पानी जो है निचोड़ लेने का है। माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गर्म कर दीजिए। जैसे आप नॉर्मल माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उस तरीके से टॉवल को अंदर डाल के और गर्म कर लीजिए। और फिर उस टॉवल को एकदम से आपको अपने हेयर में जो है लगा ले, अपने सर में जैसे आप टॉवल बांधते हैं उस तरीके से बांध देना है। बट जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है उनके लिए तरीका है वो गर्म पानी के अंदर टॉवल को डिप करके अच्छे से निचोड़ के और फिर अपने हेयर में जैसे आप सुबह नहाने के बाद सर धोने के बाद बालों को बांध लेते हैं उस तरीके से बांध लेंगे। तो मैं अभी फटाफट से आती हूँ अपने हेयर पे गर्म गर्म टॉवल लपेट के। सो गाइस, इस तरीके से आपको जो है गरम गरम टॉवल को एकदम से अपने सर पे इस तरीके से लपेट लेना है और करीब 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं आप लोगों से फटाफट से मिलती हूँ। सो गाइस, 15 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसको लगाए हुए और अब ये टॉवल जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं अपने हेयर को जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी से, आप अगर लिक्विड वाटर लेना चाहते हैं उसे भी ले सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट यूज़ हॉट वाटर फॉर योर हेयर, क्योंकि हॉट वाटर आपके हेयर को डैमेज करता है। इसलिए या तो नॉर्मल वाटर लीजिए, या तो आप अगर आपको नॉर्मल वाटर ठंडा लग रहा है तो आप लिक्विड वाटर ले सकते हैं, बट डोंट यूज़ हॉट वाटर। कोई से नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद कोई भी अपने सिरम का यूज़ कर लीजिएगा। रिसेंटली मैंने इसे बाय किया है, द नेचुरल वॉश ब्लैक सीड सिरम है। अगर आप चाहें तो मैं इसका रिव्यू कर सकती हूँ, मुझे कैसा लगा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इस सिरम का रिव्यू करूँगी आप लोगों के लिए। तो गाइस, मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने हेयर को पानी से वॉश करने के बाद और कैसा आता है फाइनल रिजल्ट वो देखने के लिए। गाइस, ये रहा फाइनल लुक और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल फिंगर्स जो है अड़ नहीं रही है मेरे बालों के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है इस हेयर स्पा से। इतना अच्छा हेयर स्पा का रिजल्ट तो मुझे जब मैंने बाहर से कराया था तब भी नहीं मिला था। आप देख सकते हैं